नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ। मैं मेरे गुरु जी के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूँ और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप सबको भी मेरा प्रणाम। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोरोना से प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाना है। अभी बहुत सारे लोग संक्रमित होते हैं ये कोरोना से, तो उससे हमें कैसे बचना है। तो अगर आपके पेट के अंदर गंदगी नहीं होती तो आपको कोई भी वायरस बैक्टीरिया छू नहीं सकता है, सिंपल बात है। तो किसी और को चाहे कितने भी बैक्टीरिया हो, चाहे कितने भी वायरस पूरे वर्ल्ड में घूमते हो फिरते हो, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करके रखना है। तो हमारी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा कैसे बिल्ट होगी, तो आप बोलोगे कि विटामिन्स की गोली खाए या फिर कैल्शियम की गोली खाए या क्या करें हम खाने में भी कुछ बोलते हैं तज भिगो के खा ले या हल्दी दूध में डाल के खा ले या उबला हुआ पानी पी ले, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो पूरी जिंदगी पका हुआ खाया है अगर वो अपने पेट के अंदर मल बन के छुपा हुआ है तो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो आपकी बॉडी को क्लीनिंग करना है। तो कैसे क्लीनिंग करना है, मैं सभी वीडियो में बोलती हूँ कि न्यू डाइट सिस्टम में सबसे पहले का पहला जो स्टेप है वो है एनीमा। हर किसी को एनीमा करना है, 4 महीने भी कर सकते हो, लगातार पूरी जिंदगी भी कर सकते हो, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कोई भी इंसान न्यू डाइट सिस्टम करता हो ना करता हो, एनीमा करेगा तो बच जाएगा। तो कोरोना से हमें बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो सब बोलते हैं कि ऐसा क्या खाए कि हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो हमारा एक ही जवाब है। आप आज पूछोगे या कितने भी सालों के बाद पूछोगे तो हमारा एक ही जवाब है कि ईश्वर ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है, धरती ने बनाया है, माँ प्रकृति ने उगाया है, वो ही नेचर से जो मिलता है वो ही खाना है। अगर हम उसको पका देंगे, उसके सत्व तत्व सब नाश कर देंगे तो हमें कहाँ से विटामिन मिलेंगे, कहाँ से प्रोटीन मिलेगा, हमारी हड्डियाँ कहाँ से मजबूत रहेगी। देखो मैं एक अच्छी सी बात करती हूँ कि अगर जो मूंगफली का तेल निकलता है तो वो बेल होता है, तो वो पूरी जिंदगी वो जो मशीन होता है उसके आगे पीछे घूम घूम के, अभी तो वो इलेक्ट्रिक वाले मशीन आ गए लेकिन पहले के ज़माने में जो बैल था वो पूरी घंटी के आजू बाजू में घूम के पूरे सुबह से रात तक उससे मदद करके हमें तेल मिलता था। तो हमने ये नहीं सोचा कि बैल पूरी जिंदगी घूमता रहता है तो उसके घुटने में क्यों नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना पड़ता है। और हम तो अभी 30 के हो गए, 40 के हो गए, 45 के हो गए, हमें तो नी पे पेड़ बांध के चलना पड़ता है, जो पट्टा आता है ऑर्थोपेडिक का वो पट्टा बांध के चलना पड़ता है। उठते हैं तो दुखता है, सोते हैं तो दुखता है, बैठते हैं तो दुखता है। तो ये देखो, प्रकृति में देखो कि जो बैल है उसने पूरी जिंदगी घास खाया, पत्तियाँ खाई और जो भी प्रकृति से मिला वो ही खाया। अगर हम प्रयोग करें कि एक बैल को लगातार 1 महीने तक दाल चावल खिलाए, रोटियां खिलाए और उसको खिचड़ी खिलाए, फिर उसको हम बोलेंगे कि चलो अभी तेल निकालना है, तो वो भी बैठ जाएगा। क्योंकि अगर मृत आहार खाते हैं तो घुटने कहाँ से चलेंगे। हमारा शरीर जो है वो लेडीज़ का 50 kg होना चाहिए, जेंट्स का 60 kg होना चाहिए, लेकिन अभी तो कोई देखता ही नहीं है कि कितना वेट हो गया, कितने उम्र हो गई। और लगातार हम खाते ही रहते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को खाते ही रहते हैं, कभी ये सोचते ही नहीं है कि हमें कब नहीं खाना है। तो बैल को भी अगर ये
मृत आहार खिलाए तो उसके भी घुटने काम करते बंद हो जाते हैं, तो हमारे घुटने कैसे काम करेंगे। और मैं एक बात बताऊं कि कोई भी आपके घर में या हमारे घर में हमारी बहू या हमारी बेटी या हम खुद प्रेग्नेंट होते हैं तो किचन में से पानी लेके या चाय लेके या नाश्ता लेके कुछ खाना लेके ड्राइंग रूम में जब जाते हैं तो हम ओढ़नी से अपना पेट छुपाते हैं। मतलब कि इतना बड़ा 8 महीने का कि 6 महीने का कि 9 महीने का हमारा प्रेगनेंसी का पेट है तो हमारे ससुर की भी हमें शर्म आती है या कोई गेस्ट आया है तो हमें शर्म आती है तो हम साड़ी का पल्लू से पेट छुपाते हैं या फिर ओढ़नी से पेट छुपाते हैं। और वो ही ससुर जो सोफे में बैठ के चाय पी रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनका पेट तो 36 या 40 का साइज का पेट होता है तो उनको तो कोई शर्म नहीं आती है। तो अगर आपका पेट बाहर आ गया है तो समझो कि रोग आना चालू हो जाएगा, अभी नहीं आया तो कल आ जाएगा। मेरी भाषा में बोलूं तो 555 का बॉम्ब तैयार हो गया है आपके पेट में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी एनीमा करके पेट को कम करना चालू करो। कभी भी ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, कभी भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, करोड़ों रुपए की मिल्कत आपकी होगी यहाँ पे पृथ्वी पे रह जाएगी और आपको कुछ हो जाएगा। तो ना हो आपको कुछ भी तो हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि आप ये वीडियो देखो और एनीमा करना चालू करो। इतना बड़ा पेट कैसे हो गया, सुबह खा लिया, दोपहर खा लिया, शाम खा लिया, गलत खा लिया, विकृत खा लिया, कभी ब्रेक नहीं करते हैं। कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि आज तो हमारी फराल की है, मतलब कि 11 की है, तो फास्टिंग की है, तो हम पूछेंगे कि क्या खाया तो बोले आज तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो हमने कहा कि फास्टिंग था, कुछ तो लिया होगा, तो बोले हाँ थोड़ी साबूदाना की खिचड़ी खाई, 1-2 पैकेट वेफर के खाए, 1 गिलास दूध पिया, 1 गिलास लस्सी पिया, 1 गिलास छाछ पी ली और फिर 2-3 एप्पल खा लिए, 2-3 टमाटर, 2-3 केले खा लिए, बस इतना खाया। खाना तो हमने खाया ही नहीं है, वो जो सकरिया होता है सकरगंडी उसका सीरा बना के खाया, या फिर जो मोरैया आता है उसकी खिचड़ी बना के खाई, या फिर कोई भी सीरा बना के खा लिया। इतना सारा खा लिया फिर इंसान बोलता है कि हमने तो आज कुछ खाया ही नहीं है, ये कैसी बात हुई। आप इतना तो कभी दिन में भी हर रोज नहीं खाते हो, फास्टिंग के दिन इतना सारा खा लेते हो, पेट है कि डस्टबिन है। कोई कोई बोलता है कि हमारा पेट है जो पापी है, उसके लिए हमें सुबह से रात तक मजूरी करनी पड़ती है। ये मैं कभी नहीं बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा पेट बहुत पवित्र है, मैं उसके अंदर अमृत आहार ही डालती हूँ और वही अमृत आहार से मुझे शुद्ध विचार आते हैं, मेरा शुद्ध तन होता है, मेरा शुद्ध मन होता है, मेरी शुद्ध वाणी होती है। तो आपको भी मैंने बता दिया कि कैसे शुद्ध करना है। 555 जैसा बॉम्ब लेके आप घूम रहे हो, इतना बड़ा पेट हो गया है, फिर भी आपको कुछ फिकर नहीं, आपको ऐसा फिकर नहीं होती है कि ये हमारे बच्चे अगर हम नहीं होंगे तो कितने परेशान हो जाएंगे, हमारी बीवी कैसे घर चलाएगी, इतना सारा कारोबार है वो कौन संभालेगा। हर इंसान की आयु फिक्स होती है, जैसे कि कोई इंसान की 50 साल की है, कोई इंसान की 100 साल की है, लेकिन हम कैसे जीते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं कि नहीं रहते हैं वो अगत्य की बात है। अगर 50 साल तक जिए लेकिन पथारी में से उठते नहीं है, पथारी में लेटरिन करना पड़ता है, पथारी में खाना पड़ता है, हमारी सब सेवा करते हैं, तो ये कैसा जीना हुआ। अगर 100 साल तक जीते हो, आप खुद खड़े होके पानी पीते हो, खुद खड़े होके बनाना लेने जाते हो, तो ये सच्चा जीवन है। कोई कोई बोलेगा कि NDS में तो इतना सारा रिस्ट्रिक्शन है, हमारे फादर, हमारे नाना, हमारे दादा तो 90 साल तक खाते पीते थे और तंदुरुस्त थे और अभी तक जीते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि अगर आपके दादा 90 साल तक चाय पी के, दूध पी के, रोटी सब्जी खा के, नान पराठा खा के, पकोड़े खा के अगर 90 साल तक जिंदा है और 91 पे ऑफ हो जाते हैं, तो अगर उन्होंने अपक्वक आहार खाया होता, कभी कभी फास्टिंग किया होता,
कभी कभी एनीमा किया होता तो वो इंसान जो आपके दादा है, नाना है या पापा है, वो 190 साल तक जीते, ये क्यों नहीं सोचते हो? आप तो सिर्फ ये सोचते हो कि बस खाना खाके जलसा कर लो, आज जलसा कर लो, कल जो भी इंजेक्शन दे देगा डॉक्टर तो चलेगा, पेट जब भर जाएगा तभी उसका देखा जाएगा, अभी खा लो। तो आज का नहीं सोचना है, हमें कल का भी सोचना है कि हमें तंदुरुस्त कैसे रहना है। तो सबसे पहली चीज है न्यू डाइट सिस्टम में कि अपक्व आहार खाना है, दूसरा जो है वो एनीमा करना है, और तीसरी जो चीज है उसका हमारा आज का टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है फास्टिंग। तो फास्टिंग कैसे करें? कोई बोलेगा कि हम कभी भी भूखे नहीं रह सकते, हमें तो भूखे रहते हैं तो गुस्सा आ जाता है या फिर चक्कर आ जाते हैं या वीकनेस आ जाती है। इसीलिए मैंने पहला स्टेप पहले बताया था कि एनीमा सबसे पहला करना है, फिर फास्टिंग चालू करना है। अगर आपको मंडे से फास्टिंग चालू करना हो तो संडे रात को एनीमा 3 बार करके सोना है, तभी पेट आपका क्लीन होगा, तो ही आप मंडे से फास्टिंग कर सकोगे। इट्स सिंपल बात है। अगर कोई इंसान ऐसा करेगा कि संडे की रात को पकोड़े खा लिए, लड्डू खा लिए, पूरी खा ली और दाल चावल खा लिए, बिरयानी खा ली, पुलाव खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया, पास्ता खा लिया, संडे को खा लिया, और बोलेंगे कि हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मंडे का 8 आवर्स का फास्टिंग हम नहीं कर पाएंगे, बहुत प्यास लगती है। तो अगर आपने अगले दिन पे पका हुआ खाया था, तला हुआ खाया था, घी वाला खाया था, मैदे का खाया था, गेहूं का खाया था, तो अगले दिन आपको प्यास ही लगेगी। तो जब भी आपको फास्टिंग करनी हो तो अगर मंडे से करनी हो तो संडे की शाम को सिर्फ और सिर्फ आपके डिनर में सूप होना चाहिए या तो फिर बॉयल्ड सब्जी होनी चाहिए। अगर चलो वो नहीं लेते हो तो इससे भी अच्छी चीज़ है कि सिर्फ फ्रूट खा लो, इससे भी अच्छी चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ आप फलों का जूस पी लो, फिर आप दूसरे दिन सुबह में फास्टिंग कर पाओगे, क्योंकि आपका जो पेट है वो हल्का फुल्का होगा। तो सुबह में उठते ही जिस जिस को प्यास लगती है तो समझो कि अगले दिन का गेहूं पड़ा है पेट में, अगले दिन का चावल पड़ा है वो निकला नहीं है, इसलिए प्यास लगती है। तो अगले दिन भी सोच लो कि क्या खाना है, तो अच्छा वाला अपक्व ही खाना है। अभी ये सबसे ज़्यादा कोरोना का चल रहा है कि कोरोना का वायरस का हमें इफ़ेक्ट ना हो जाए, उसके लिए हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो अभी क्वारंटाइन जो है वो पहले 1 आया था, 2 आया, फिर 3 आया, अभी 4 आया, तो क्वारंटाइन तो चलता रहता है। हम कब तक घर में बैठे रहेंगे, कब तक हम ऑफिस नहीं जाएंगे, या कब तक सब्जी मंडी नहीं जाएंगे, कब तक फल फ्रूट लेने नहीं जाएंगे, कब तक हम बाहर कुछ जाएंगे नहीं लेने के लिए, जिसको मिलेंगे तो वो संक्रमित होगा। चलो आपने कहीं से नहीं छुआ है, आप कहीं पे नहीं गए हो, लेकिन और कहीं घूम रहा है तो आप संक्रमित हो जाओगे। तो अगर आपको ये कोरोना से डर लगता है और आपको जितनी भी आयु है तब तक स्वस्थ रह के जीना है, ये अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। अगर आपको कोरोना का सिम्टम्स और आ जाए, एक इंसान को हॉस्पिटल में 10 दिन तक 15 दिन तक एडमिट कर देते हैं, उसके घर वाले 3 या 4 लोग होते हैं उनको भी क्वारंटाइन कर देते हैं, उनको वहाँ नहीं जाते जाने देते, पेशेंट को घर नहीं आने देते, घर में आने के बाद भी 14 दिन तक एक रूम में बंद करके रखते हैं। तो अगर ये क्वारंटाइन का वक्त अभी फिनिश हो रहा है, मतलब कि जो अभी पीरियड है कोविड-19 का, तो उसमें अभी सब बोलते हैं कि 18 तारीख से सब बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, सभी दुकान खुली है, सभी ऑफिस खुली है, सभी सब्जी मंडियाँ खुली है, तो आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो मैं उसके लिए 7 डेज का प्लान बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर ये आपने 7 दिन का कर लिया तो लगातार आपको 1 महीने तक कोई भी वायरस नहीं छू पाएगा, तो आपको अपने आप को, बॉडी को, इम्यूनिटी पावर, आपके सिस्टम को बूस्ट करनी है, आप खुद को स्ट्रांग हो जाना है। तो सबसे पहला दिन है तो आप सुबह में उठने के बाद एनीमा कर लो,
दूसरा क्या करना है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे निर्जला फास्टिंग कर दो, फिर 8 आवर्स तक सिर्फ जूस पीना है, कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है और कुछ चिंता करनी नहीं है, रोटी सब्जी दाल चावल। अगर आपको पूरी जिंदगी बचानी हो तो 1 वीक के लिए ये शेड्यूल आप अपने बॉडी पे फॉलो कर दीजिए। जरा सोचो कि अगर आपको ये वायरस आ गया तो कितनी परेशानी होगी। इससे तो अच्छा है कि ये सिस्टम कर लो, सिर्फ 1 वीक करोगे तो भी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है। हम तो पूरी जिंदगी करते हैं, सोचो कितनी इम्यूनिटी पावर हमने खुद ने बिल्ड कर दी है, एकदम स्ट्रांग कर दी है। तो आप भी कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला जो दिन है वो सुबह में एनीमा करना है, दूसरा जो है वो 6 आवर्स का निर्जला फास्टिंग कर देना है, मॉर्निंग में उठने के बाद अगर 3 घंटे रहो तो कोई बात नहीं, लेकिन पेट को खाली करो सुबह में उठने के बाद, जितना हो सके इतना मैक्सिमम या मिनिमम 6 आवर टू 8 आवर्स या तो फिर 4 आवर्स उठने के बाद एक बूंद भी मुंह में पानी की नहीं डालनी है। उसके बाद लगातार 8 आवर्स तक पीना है, सिर्फ पीना है। क्या पीना है तो फ्रूट का जूस, आपको जो भी मिल जाता है, आपको जो टेस्टी लगता है, और वो जूस पीते पीते भगवान को याद कीजिए। आपके जो भी आप मानते हो भगवान को, आपके जो कुल देवी होती है उनको याद करके ये अमृत प्रसाद ग्रहण करना है, बैठ के शांति से पीना है। तो पहला दिन है वो कोरोना से बचने के लिए, पहला दिन है वो पहला जो दिन है वो फ्रूट का जूस, दूसरा जो दिन है सुबह में उठने के बाद एनीमा करना है, 3 बार करना है, 6 घंटे का फास्टिंग करना है, 4 घंटे का भी कर सकते हो। फिर कौन सा जूस पीना है तो पूरे दिन ग्रीन जूस पीना है, हरी पत्तियों का जूस, पालक ले आओ, धनिया ले आओ, लौकी ले आओ, जो भी उसमें डालना हो तो सब डाल के 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास पूरे दिन ग्रीन हरी पत्तियों का जूस पीना है। इससे क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन में जितना भी कचरा होगा तो लगातार 3-4 बार पेट क्लीन हो जाएगा। अगर आपके पेट में कूड़ा है, कचरा है, तो ही बैक्टीरिया अटैक करता है। तो हमारा पर्पस ये है कि आपका पेट, आपका इंटेस्टाइन, आपकी आंत क्लीन होनी चाहिए। तो दूसरा दिन है पूरा दिन ग्रीन जूस पीना है। तीसरे दिन को क्या करना है, सुबह में उठने के बाद तीन टाइम एनीमा करना है। 3 टाइम कैसे करेंगे, 1 टाइम 1.5 लीटर का पानी पेट में चढ़ाया, आपको प्रेशर आया, निकाल दो, बाथरूम से बाहर नहीं आना है। दूसरी बार 1.5 लीटर का पानी पेट में जाने दो, प्रेशर आएगा, निकाल दो। तीसरी बार बाथरूम से बाहर अभी नहीं आना है, अंदर ही रहना है। तीसरी बार 1.5 लीटर का पानी चढ़ाया, आपको प्रेशर आएगा, फिर निकालना है। होल्ड कर पाओ तो 5 मिनट पानी को भर के रखो पेट के अंदर, ताकि जो कूड़ा कचरा है वो निकल जाए, सब कुछ जो भी मल जम गया है वो निकल जाए। तो इस तरह से पहली बार करोगे तो लेफ्ट साइड सो के करना है, दूसरी बार करो तो राइट साइड सो के करना है, तीसरी बार करो तो जमीन के बल पे उल्टे सो के करना है। तो सुबह में 3 बार एनीमा कंपलसरी, तीसरे दिन 6 और 8 आवर्स फास्टिंग करना है, तीसरे दिन कोई भी वेजिटेबल का जूस पीना है, पूरे दिन भूखा नहीं रहना है, हर 1 घंटे पे 1 ग्लास पी लो, मजे करो, नींबू डाल के पियो, टेस्टी बना के पियो, लौकी का पियो, पेठे का पियो, चुकंदर का पियो, या फिर ककड़ी का पी लो, आपको जो मिलता है उसका आप जूस पी लो। फिर क्या करना है, चौथा दिन आपको याद ही होगा, सुबह में उठते नेचर कॉल आए कि ना आए, भूल जाओ वो बात को, क्लीनिंग याद रखो, सिर्फ क्लीनिंग। उठने के बाद 3 बार एनीमा, फिर क्या करना है, 6 घंटे का फास्टिंग, उसके बाद क्या करना है तो सिर्फ और सिर्फ नींबू का पानी, पूरे दिन नींबू का पानी। आपको उसमें गुड़ डालना हो तो डालो, नमक डालना हो तो डालो, काली संचर डालना हो तो डालो, मरी डालना हो तो डालो, 1 ग्लास में पूरा 1 नींबू डाल के पूरे दिन 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास 5 ग्लास पूरी बॉडी क्लीन हो जाएगी। लेमन ऐसी चीज है कि पेट की चिकनाई को निकाल देता है,
वो वायरस जो आता है कोरोना का, अगर हमारी बॉडी में, अगर अपने फेफसा में चिकनाई होती है तो वो चिपक जाता है, लेकिन हमारा बॉडी इतना क्लीन होगा तो वो चिपकेगा ही कहाँ, सीधा का सीधा बाहर निकल जाएगा। एनीमा करके देखो, इतना चमत्कार होता है, क्या ना क्या कचरा निकल जाता है। आपने एक साल, अभी आप 5 साल के होंगे तभी जो बिस्किट खाई थी मैदा वाली, वो भी अभी 50 साल पे निकलेगी। तो आप एनीमा करो तो काला काला इतना मल निकलेगा कि आप सोच नहीं सकोगे कि इतना मल लेके आप 50-50 साल के घूम रहे हो। तो फिर वायरस आपको ही अटैक करेगा ना, क्यों किसी और को अटैक करेगा। जिसके जिसके पेट में कचरा है उसके अंदर वायरस जल्दी से इफेक्ट कर लेगा। तो लगातार जो अगला दिन है उसमें क्या लेना है, तो अभी जो डे आया तो वो पूरा दिन आपको फ्रूट खाना है। जितने फ्रूट खाना हो, जो फ्रूट खाना हो, जितनी भूख हो, जितनी बार खाओ, लेकिन पूरे दिन फ्रूट खाओ। अभी ये नहीं पूछना कि बनाना खाए कि नहीं। तो मेरा एक ही आंसर है कि परमात्मा ने बनाया तो बनाना खाओ। अगर परमात्मा ने चीकू बनाया तो चीकू खाओ। कोई बोलेगा कि हमें खट्टे से तकलीफ है, अगर ऑरेंज से तकलीफ है तो ये गलत बात है। ऑरेंज परमात्मा ने बनाया, हमें परेशान करने के लिए नहीं बनाया है। अगर आपको ऑरेंज मिल जाते हैं तो पियो, लेकिन दूध को छोड़ो। आप दूध छोड़ो, छाछ छोड़ो, लस्सी छोड़ो, आइसक्रीम छोड़ो, ये जो भी पीना है मिल्क प्रोडक्ट उसको छोड़ दो। अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो ये कोई भी डेयरी प्रोडक्ट वाला, दूसरी माँ का दूध या दूध की प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेनी है बस, क्योंकि इससे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉब्लम में आ जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज आ जाते हैं। तो छोड़ दो दूध को, छोड़ दो चाय को, छोड़ दो छाछ को। बहुत सारी चीज़ें परमात्मा ने दी है हमें पृथ्वी पे उगा हुए। गाय को तंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बछड़े के लिए रहने दो, और भैंस को भी छोड़ दो, उसके बछड़े के लिए रहने दो। कोई तो बोलता है कि कैंसर हो गया है तो बकरी का दूध पिए, या फिर हेयर फॉल हो रहे हैं तो बकरी का दूध पियो, या पित्त हो जाता है तो बकरी का दूध पियो। क्यों बकरी का दूध ले लेना है? आपको अगर दूध पीना है तो अमेरिकन मकई का दूध निकाल के पी लो। अमेरिकन मकई जो आती है उसको कुछ भी नहीं गर्म करना, नहीं सेकना, नहीं तलना, नहीं कुकर में डालना, कुछ भी नहीं। लेके आओ उसकी सारी की सारी 10 पत्तियां होती है वो निकाल दो, बैठे बैठे खा लो, मुंह में चबा चबा लो तो दूध बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना है तो सारे के सारे मिक्सचर में दाने नाक दो और उसके अंदर एक ग्लास पानी डाल के फिर छान लो, मिक्सचर में पीस दो। सो सिंपल, एक ग्लास दूध बनाने में 5 मिनट लगती है। गाय ने कब दूध दिया, कब ग्वाले ने निकाला, कब डेयरी में पहुंचा, कब पेस्चराइज हुआ, कब आपके पास आया, 2 दिन फ्रिज में पड़ा रहा, फिर आप 3 बार गरम गरम करके लेते हो, तो कहाँ से आपको अच्छा होगा? आपका फ्रोजन शोल्डर या फिर आपका नी रिप्लेसमेंट कहाँ से अच्छा होगा? छोड़ दो, ये सब सारी गलत फहमियाँ है, ये विज्ञान जो है वो बर्बाद कर देगा। प्रकृति का विज्ञान देखो, जिसके माँ का दूध हो वो उसके बच्चे के लिए है, दैट्स इट। मेरा दूध है मेरे बच्चे के लिए, गाय का दूध है उसके बच्चे के लिए, क्यों सबका छीन के ले आते हो? कोई भी मिल्क प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ वो दिन फ्रूट खाने हैं। कितने भी खा लो, कितनी बार खा लो, बस दिन पूरा हो गया। फिर उसके बाद का जो दिन आएगा तो सुबह में उठ के 3 बार एनीमा करना है। आप ऐसा नहीं बोल सकोगे कि मैं थक गई एनीमा से। एनीमा से बार बार लगातार कचरा निकलता रहता है। आप 15 साल से बीपी की गोलियां ले रहे हो तो थक नहीं गए? आपने स्टेंट रखवाया तो थक नहीं गए? आपने डिप्रेशन की गोली खाई तो थक नहीं गए? आप माइग्रेन की गोली खाते हो, लगातार डॉक्टर की विजिट करते रहते हो तो थक नहीं गए? तो कैसे एनीमा से थक जाएंगे? एनीमा से तो शक्ति आती है, एनीमा से तो स्फूर्ति आती है, एनीमा से तो ताकत आती है, एनीमा तो अपना कचरा निकालता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लगातार करते रहो, सुबह में किया, दोपहर में करो, शाम को करो, रात को करो, जब भी आपका मूड ऑफ हो जाए तो एनीमा कर लो, इतना सिंपल है। तो दूसरे दिन जो है वो पूरे दिन फ्रूट खाना था, उसके बाद का जो दिन है वो पूरे दिन सलाद खा लो, पूरा दिन सलाद खाओ। अंकुरित करके मूंग खा सकते हो, या फिर आप अमेरिकन कॉर्न ले लो, टमाटर ले लो, ककड़ी ले लो, उसमें ओनियन खाते हो तो डाल दो, या फिर उसके अंदर चटनी डाल दो,
फिर उसके अंदर कैप्सिकम डाल दो। आपके फ्रिज में जो भी पड़ा है या आप सब्जी मंडी में जाते हो कच्चा जो भी खा सकते हो सब कुछ खाइए। कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमें कच्चे से उड़कार आते हैं या कच्चे से गैस हो जाता है, कच्चे से वायु हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 28 साल से हमारे गुरुजी कच्चा खा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में 40 लाख लोग ने ये न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट किया है। किसी को कच्चे से पेट में दर्द नहीं होता है। अगर आपके पेट के अंदर कचरा पड़ा है तो आपको पेट में दुखेगा, तो उसके लिए सलाद को दूषित मत करना। कोई बोलेंगे कि चबा चबा के थक जाते हैं घास फूस, तो कोई बात नहीं, जूस पी लो, एक ग्लास जूस पियो। कोई बोलता है कि बार बार भूख लग जाती है क्या खाए, तो 1 बजे खाओ, 2 बजे खाओ, 3 बजे खाओ, 4 बजे खाओ, 5 बजे खाओ, 6 बजे खाओ, खाते रहो जितना पेट मांगता है तो खाते रहो। लेकिन क्या खाना है, अपक्व आहार, हर बार एक एक चीज खा लो, नींबू डाल दो टेस्टी कर दो, संचर डाल दो टेस्टी कर दो, जो सिंधव नमक आता है वो डाल दो, हरी मिर्ची डाल दो, लाल मिर्ची डाल दो, कैसे भी करो लेकिन टेस्टी बना के खाओ। बार बार भूख लगती है तो बार बार खाओ। अभी उसके दिन लास्ट वाला जो दिन आया तो वो हो गया संडे। तो संडे के दिन क्या करेंगे, सुबह में भी एनिमा, दोपहर में भी एनिमा, शाम को भी एनिमा, रात को भी एनिमा। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि आपको छुट्टी है, तो छुट्टी में वैसे भी क्या करोगे, तो पलंग पर लेटे रहोगे, सोफा में लेटे रहोगे, मोबाइल करोगे या फिर पूरे दिन टीवी देखते हो। तो आपकी बॉडी जो है उसको क्योर करो, उसको थोड़ा सा वक्त दो, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, 4 बार एनिमा करते रहो, लगातार करते रहो, करते रहो, करते रहो। जितना कचरा निकल जाएगा आप बैक्टीरिया आपको छू नहीं सकेगी। अगर कोरोना का वायरस वाला कोई भी इंसान हमारी बाजू में बैठा होगा तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं मेरी खुद का एक प्रयोग की बात करूं, जब भी हम घूमने गए थे आबू गए थे तो हमारे साथ 3 कपल थे, तो मैं और मेरा फैमिली, हम 4 लोग और वो 4 लोग और दूसरे 4 लोग, मतलब कि 3 फैमिली हम आबू गए थे। तो रात को हम बहुत देर से 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बैठे बैठे बहुत पुरानी यादें करते थे, बातें करते थे, मेमोरी सब एक दूसरे को शेयर करते थे। तो तभी ऐसा हुआ कि जैसे जैसे रात बढ़ती गई तो बहुत सारे मच्छर आ गए, क्योंकि वहाँ पे आजू बाजू में सब जंगल जैसा था, तो फिर बहुत सारे मच्छर आ गए। तो एक एक करके सारे लोग रूम में चले जाए कि हमको तो मच्छर ने काटा, हमको तो मच्छर ने काटा, हमको तो मच्छर ने काटा, कितने सारे लाल हो गया, बॉडी पे स्क्रैचेस हो गए, हमको तो इतने सारे मच्छर काटते हैं। मैं और मेरा फैमिली हम 4 लोग 2 बजे तक बैठे थे, इतने सारे मच्छर घूम रहे थे, लेकिन हमारे 4 में से किसी को भी मच्छर ने नहीं काटा। बोलो कैसे ऐसा हुआ, पता है आपको, हमारा आहार शुद्ध है, हमारा तन शुद्ध है, हमारा ब्लड शुद्ध है। तो अगर मच्छर आपको काटता है तो सब ऐसा बोलते हैं कि आपका खून मीठा होगा तो मच्छर आता है, बिल्कुल गलत बात है। मच्छर मीठा खून खाने नहीं आता है, आपके खून में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया को वो खाता है। तो अगर मेरे बॉडी में, मेरे ब्लड में बिल्कुल ही बैक्टीरिया नहीं है तो वो बैठ के क्या खाएगा, तो आएगा ऐसे गुनगुनाएगा और फिर उड़ के चला जाएगा। तो हमने 2-3 दिन तक, हम जब भी आबू में रहे तो हमने 3 दिन तक लगातार प्रयोग किया कि हम तो बैठे थे, इतने सारे मच्छर आए, मुझे नहीं काटा, बेटे को किसी मच्छर ने काटा, बेटी को किसी मच्छर ने नहीं काटा, मेरे हस्बैंड को भी किसी मच्छर ने, इतने सारे मच्छर में से कोई एक तो ऐसा होगा कि हमें काट ले, कहीं पे तो काट ले, लेकिन कोई मच्छर नहीं आया, क्योंकि हमारा ब्लड इतना प्योर हो गया है, इतना क्लीन हमारा बॉडी हो गया है कि मच्छर हमें काटता नहीं है। तो इम्यूनिटी पावर आपको बढ़ानी है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बॉडी की क्लीनिंग जरूरी है। कोरोना तो वायरस आया है, ऐसे तो हजारों वायरस आएंगे, और हमारा शरीर भी खुद बैक्टीरिया से ही बना है, तो ये एक बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। हम जब तक जिएंगे तब कब तक ये घर के अंदर हम दरवाजा बंद करके बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। 80 डिसीज ऐसे हैं
कि जो कब से होते हैं, 80 डिसीज ऐसे हैं जो पित्त से होते हैं और 80 डिसीज ऐसे हैं जो वात से होते हैं। तो ये कफ क्यों होता है, वात क्यों होता है और वायु क्यों हो जाता है, तो ये तीनों का एक ही कारण है, हमारे शरीर में मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट जो है वो पेट में जाती है तो हमें कफ हो जाता है, पित्त हो जाता है, वायु हो जाता है। कोई भी दुनिया का डॉक्टर ऐसा आपको नहीं बताएगा कि ये ना खाओ तो कफ नहीं होगा, ये ना खाओ तो पित्त नहीं होगा। हम सिर्फ बताते हैं कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट को पूरी जिंदगी से निकाल दो तो ही आप स्वस्थ हो पाओगे। तो ये मैंने न्यू डाइट सिस्टम का जितना भी फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया। अभी कोई ऐसा बोलेगा कि हमें लंबे उपवास करने हैं तो कैसे करें, कम उपवास करने हैं तो कैसे करें, फास्टिंग का क्या महत्व है, फास्टिंग क्यों करना चाहिए, तो हमारे एक साधक है, बहुत पुराने साधक है, उनका नाम है, वो 30 डे तक उन्होंने निर्जला लगातार फास्टिंग किया था, उनका नाम है सुलेखा बेन। तो सुलेखा बेन ने लगातार 30 दिन तक निर्जला फास्टिंग किया। तो अगर मैं आपको बोलूंगी कि आज से 30 दिन का निर्जला कर दो तो कोई इंसान नहीं कर पाएगा, तो उनको कैसे करना होगा। तो पूरे साल में सबसे पहले तो एक जो मंथ आता है उसमें 4 वीक होते हैं, तो चारों वीक में एक एक निर्जला कर दो, या तो फिर हर 11 आती है या हर 15 दिन आता है तभी एक निर्जला फास्टिंग कर दो, ऐसे करके दूसरे महीने में फिर 2-2 बार कर दो, तीसरे महीने में 3-3 बार कर दो, चौथे महीने में 4-4 बार कर दो। फिर कैसे ब्रेक करना है, लगातार ऐसा 1 साल 2 साल 3 साल 4 तक, ये साधना है, ये तप है, ये ऐसा नहीं है कि आज किया और आज फल मिल गया। लगातार 10 साल तक आप करते रहोगे तब आपको ऐसी इम्यूनिटी पावर आएगी कि आप 30 दिन तक निर्जला फास्टिंग कर पाओ। लेकिन अगर आप नए साधक हो तो इतना लंबा करने की सोचना भी नहीं है और करना भी नहीं है, क्योंकि फास्टिंग करना इजी है लेकिन फास्टिंग छोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर फास्टिंग छोड़ते वक्त आपने कुछ गलत खा लिया तो पेट इतना हैवी हो जाता है कि हॉस्पिटल में चले जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हमें जो भी उपवास है वो युक्त उपवास करने हैं, मतलब कि सोच के उपवास करने हैं। अगर आपने पूरे महीने में सिर्फ 1 24 घंटे का निर्जला उपवास किया है, वो दिन कुछ भी नहीं खाया है, तो उसके अगले दिन आपको डिनर में सिर्फ सूप लेना है और सलाद सूप लेना है, या बॉइल सब्जी, वेजिटेबल्स का सब्जी जो आती है वो कुछ भी सब्जी बना के खा सकते हो, रोटी है, दाल है, चावल है, उसको लगातार छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। न्यू डाइट सिस्टम का मेथड 1 है और मेथड 2 है। अगर आपको मेथड 2 अप्लाई करना हो तो धीरे धीरे कैसे छोड़ेंगे, तो सबसे पहले हमें पूरे जन्म है तब से हमें आदत है कि रोटी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, खिचड़ी खाओ, पूरी खाओ, पराठा खाओ, नान खाओ, तो हमें धीरे धीरे एक एक चीज का त्याग करना है। कोई भी इंसान एक ही दिन में सब कुछ त्याग नहीं कर सकता है। तो पहले मंथ ले लिया तो आप पहले मंथ को रोटी को भूल जाओ, रोटी को छोड़ दो, भाखरी छोड़ दो, और फिर उसके पूरी बनती है तो पूरी को छोड़ दो, नान बनती है तो नान को छोड़ दो, रोटी बनती है वो छोड़ दो, गेहूं की आइटम का 1 महीना त्याग कर दो, दूसरा महीना है वो महीना दाल और चावल का त्याग कर दो, तीसरा महीना है वो खिचड़ी का त्याग कर दो, धीरे धीरे फिर सब्जी और बॉयल सब्जी खाओगे उसका त्याग करना है, फिर आपको आदत हो जाएगी नेचुरल आहार खाने की। हमने भी शुरुआत की थी तो ऐसे ही किया था, सबसे पहले रोटी छोड़ दी, फिर खिचड़ी छोड़ दी, फिर हमने दाल चावल छोड़ दिए, फिर ऐसे ऐसे कर कर के हम लास्ट में जो थे वो बॉयल सब्जी खाते थे और उसके साथ सूप पी के पेट भरते थे। फिर हमारे गुरु जी का एक दिन हमसे बात हुई तो उन्होंने ऐसा सजेशन किया कि अगर 20 लीटर की दूध की पूरी की पूरी एक तपेली है, मतलब कि एक कढ़ाई है, उसमें 20 लीटर दूध होगा तो अच्छे से एक खीर बन सकेगी। अगर उसके अंदर सिर्फ 1 नींबू डाल दो, सिर्फ 1 नींबू,
तो पूरा दूध बिगड़ जाता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी है, अगर पूरे दिन हमने फास्टिंग किया, हमने एनीमा किया, हमने और रात को फिर हमने बॉयल सब्जी खा ली या फिर बॉयल वेजिटेबल खा लिया या फिर और कुछ थोड़ी सी रोटी खा ली या थोड़ी सी खिचड़ी खा ली, थोड़े से पुलाव खा लिया, तो पूरे दिन का जो तप किया था उसके ऊपर सब पानी फिर जाता है। तो हमें लगातार अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, फास्टिंग के और बढ़ने के लिए हमें क्या खाना है, तो अपक्व आहार। तो लगातार ये प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आदत बन जाएगी। फिर क्या करना है, 2 दिन का अगर उपवास करते हो आप, किसी भी चीज़ का निर्जला करते हो, 2 दिन का निर्जला फास्टिंग करते हो, तो उसके अगले दिन पूरे दिन फ्रूट खाना है और 2 दिन के निर्जला के बाद पूरे 2 दिन तक आपको फ्रूट का जूस पीना है। तो सिंपल हो गया, आपका पेट एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, जितना भी मल होगा वो निकल जाएगा, एकदम हल्का फुल्का आप महसूस करने लगोगे। फिर अगर दूसरे मंथ, ये लगातार नहीं करना है, हैबिट करनी है कि फास्टिंग कैसे करें, पहले जो है वो 1 ही दिन का करो, फिर दूसरे वीक है वो 2 दिन का करो, तो 2 दिन आपको फ्रूट का जूस लेना है, फिर 2 दिन आपको फ्रूट खाने हैं। फ्रूट में भी जब भी सभी इतने 3-4 दिन का निर्जला छोड़ते हो या जूस से आप खाने पे जाते हो, तो पपीता है वो इतना अच्छा है कि इजी से डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर आपको पका हुआ कुछ लेना हो तो सूप से स्टार्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन का निर्जला फास्टिंग करके आप सीधे दाल चावल खाने लगो, या कोई बोलेगा कि मूंग का पानी ले सकते हैं, तो मूंग का पानी अगर बॉईल किया हुआ है तो वो हल्का नहीं है। मूंग को अगर आपको खाना हो तो उसको अंकुरित कर दो, अगर फिर उसका जूस पीना है तो मिक्सचर में 1 गिलास पानी डाल के उसका जूस बना के छान के पी लो। अगर आप मूंग का सुबह में दोपहर में रोज जूस पीते हो कोरोना से बचने के लिए, तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको फायदा होगा तो अंकुरित किए हुए मूंग चाहिए या भीगे हुए मूंग चाहिए, बॉइल किए हुए मूंग लोगे तो फायदा नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट मंथ जब प्रैक्टिस करते हैं या नेक्स्ट वीक जब प्रैक्टिस करते हैं, तो लगातार 3 दिन तक निर्जला करो। उसके अगले दिन मतलब कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे आपको निर्जला करना है, तो संडे याद रखना है कि रोटी सब्जी दाल चावल छोड़ देनी है, पूरे दिन फ्रूट पे रहना है, पेट एकदम हल्का होना चाहिए। फिर 3 दिन आप लगातार फिर आप निर्जला फास्टिंग करोगे, और फिर उसके 3 दिन छोड़ने के बाद तो आपको जूस से स्टार्ट करना है। तो कोई बोलेगा कि कंपलसरी है, ग्रीन जूस पीना ही है, पियो तो अच्छी बात है, नहीं पियो तो फ्रूट का जूस भी ले सकते हो। तो 3 दिन लगातार आपको जूस पी लेना है, और फिर उसके 3 दिन आपको लगातार फ्रूट और सलाद खाना है। फिर आप धीरे धीरे सूप पे आ जाइए, खाना हो तो, हम नहीं बोलते हैं कि आ जाओ। फिर अगर आपको वेजिटेबल खाना है तो बॉइल करके खाइए, फिर आपको खिचड़ी बना के खानी है तो इतनी ही खिचड़ी के अंदर इतने सारे वेजिटेबल डाल के खिचड़ी बना के खाइए, हम नहीं बोलेंगे कि खाओ, आपको खाना हो तो हम सजेस्ट करते हैं, हम नहीं खाते हैं, आपको खाना हो, पेट बिगाड़ना हो, बीमारियों को भुलाना हो तो खाइए, जीभ का टेस्ट नहीं भूल पाते हो तो खाइए। अगर आपको मेहनत मजूरी करने की आदत पड़ गई है किचन में जाके पका के खाने की तो खाइए, आपको अगर बर्तन वाले को बुलाना हो, प्लेटफॉर्म साफ करना हो, इतने सारे काम वाले को पैसे देने हो तो आप खाइए, हम नहीं बोलते हैं कि आप खाओ। काम वाले को आप 600-700 रुपये 800 रुपये देते हो बर्तन घिसने का, तो 800 रुपये का तो फ्रूट लेके आ जाओ और खा लो, नहीं रसोई की झंझट, नहीं जूस की, नहीं बर्तन की झंझट, नहीं काम वाली आई नहीं आई। मैं दूसरी बात आपको बताती हूँ, मैंने अगर फल खा लिया, सलाद खा लिया, चटनी खा ली, तो सिर्फ जो नल आता है पानी का उसके नीचे मैं उसको रख देती हूँ और हाथ भी नहीं घुमाती हूँ तो क्लीन हो जाता है। इसकी जगह पे आप सोचो, खिचड़ी खाई, रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, पूरी थाली जो है वो इतनी गंदी हो जाती है, फिर कुकर होता है वो कितना खराब हो जाता है, आपका जो
कढ़ाई होती है वो कितनी गंदी हो जाती है, तो वो समझो आपका पेट ही इतना ही गंदा होता है वो खाने से, जो अपक्व, जो पका हुआ है और जो मृत है, जो विकृत है, जो सत्व तत्व सब गैस पे नष्ट हो गए हैं। और पूरी मजदूरी करते हैं हम किचन में, तो अगर आप न्यू डाइट सिस्टम के रास्ते पे आ गए हो तो पका हुआ खाना छोड़ दो। 20 साल के हो तो भी छोड़ दो, 50 साल के हो तो भी छोड़ दो, 80 साल के हो तो भी छोड़ दो। तो लगातार आपको फास्टिंग करने की, इम्यूनिटी पावर की बढ़ाने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि फास्टिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, दूसरा है जो आप अगर बूढ़े हो तो वहीं पे आपकी एज रुक जाएगी, आप ज़्यादा बूढ़े नहीं लगोगे। तीसरा जो है, अगर आप जितने भी साल के हो उससे छोटे दिखने लगोगे। चौथा जो फ़ायदा है, आपकी याददाश्त कम मजबूत होती है। फिर जो फ़ायदा है कि आपको कभी भी गुस्सा नहीं आता है। फिर जो एक फ़ायदा है, कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। फिर जो फास्टिंग का फ़ायदा है, तो आपकी सोच बदल जाती है, आपको बहुत प्यार मिलता है न्यू डाइट सिस्टम के फास्टिंग करने के बाद। फास्टिंग करने के बाद आपको प्रभु की प्राप्ति होती है। फास्टिंग करने के बाद आपका आध्यात्मिक लेवल जो होता है वो बढ़ता है। फिर जो फास्टिंग के बाद अगर करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कायाकल्प हो जाती है। फिर उसके बाद की बात करें तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है वो कायाकल्प हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने खाया था गलत 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 और अभी वो निकाल दिया एनिमा एनिमा एनिमा, तो क्या रिजल्ट मिला? फायदा फायदा फायदा। तो क्या करना है? फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग। कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर हो या बीपी हो या डायबिटीज हो या कोलेस्ट्रॉल हो, पेट में दर्द हो, कुछ भी, चाहे आपके दिमाग में डिप्रेशन हो या आपको मेनोपोज हो या फ्रोजन शोल्डर हो, आपकी स्किन का डिसीज हो, कोई भी डिसीज एक ही सूत्र से जाएगा, लंघनम परम औषधम। मतलब कि फास्टिंग करना जरूरी है। पेट है हमारा डस्टबिन नहीं है कि सुबह में डाला, दोपहर डाला, शाम को डाला, रात को डाला। कई कई लोग तो रात को 12:30-1 बजे तक टीवी करते हैं, मोबाइल करते हैं, फेसबुक करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं और 1 बजे फिर सिंक खाने जाते हैं, फ्रिज में कुछ ढूंढने जाते हैं कि चवाना रखा है कि नहीं, बिस्किट रखी है कि नहीं, या फिर खाखरा रखा है कि नहीं, सेव रखी है कि नहीं। तो ये सब भूल जाइए। रात को भी अगर आपको भूल जाइए तो 2-3 केले खा लीजिए, 2-3 टमाटर खा लीजिए। एक बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि रात को फ्रूट खा सकते हैं कि नहीं, या रात को फिर सलाद खाएंगे तो गैस हो जाएगा। 24 घंटे में कभी भी परमात्मा का बनाया हुआ खाओ तो आपको कुछ भी होगा नहीं। तो फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं। हमारी बुक के अंदर भी पूरा एक चैप्टर भरा हुआ है कि फास्टिंग से कितने सारे फायदे हैं, करके देखो। हमने किया है। मैंने 9 दिन का निर्जला फास्टिंग किया था, तो एक ही दिन में नहीं किया था, पूरे जो साल है उसके मैंने प्रैक्टिस की थी। पहले 1 महीने में 2 दिन किया, फिर 1 महीने में 4 दिन किया, फिर 1 महीने में 8 बार किया, फिर कभी मैंने नॉनस्टॉप 5 घंटे का किया, कभी नॉनस्टॉप 6 घंटे का किया, कभी नॉनस्टॉप 3 घंटे का किया। फिर हम अच्छा अच्छा खाना देते रहेंगे, पेट को आदत हो जाएगी कि ये देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा, पेट को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी कम खाओगे तो भी बॉडी काम करती है, ऐसा नहीं है कि खाते रहोगे तो ही बॉडी काम करती है। एक बार करके तो देखो, चमत्कार लगेगा। मैंने भी जब भी पूरे 24 घंटे का निर्जला फास्टिंग किया था तो मुझे भी खुद पे विश्वास नहीं था कि मैं 24 घंटे कैसे रहूं। लेकिन हमारे पास एक जादुई संजीवनी क्रिया का पॉट है कि जिसका नाम है एनिमा। सुबह का कचरा निकला, शाम का कचरा निकला, दोपहर का कचरा निकला, इतनी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हमको ऐसा होता है कि लगातार उपवास करते जाएं। जब इतना मल निकलेगा, 10 किलो 20 किलो 30 किलो मल निकलेगा, तभी हमें बाथरूम में ऐसा होगा कि हमने कितना गलत खा लिया था, ये पेट है, हमने गटर बना लिया था, अपनी खुद को डस्टबिन बना लिया था। तो अपना जो पेट है उसको पवित्र रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग कीजिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए।
आपको कुछ भी पूछना हो तो हम न्यू डायट सिस्टम के प्रचारक को आप पूछ सकते हो। मेरा जो फ़ोन करने का टाइम है वो सुबह 10 और 12 के बीच में मुझे फ़ोन कीजिए और आपका सिर्फ प्रॉब्लम बताइए, मैं तुरंत से आपको जवाब दे दूंगी। क्योंकि इतने सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, अगर मैं एक ही इंसान को 25 मिनट दे दूंगी या 35 मिनट दे दूंगी तो बाकी के सारे लोग इतने सारे वेटिंग में होते हैं, तो 5 मिनट या 6-7 मिनट में अपनी बात शॉर्ट में हमें प्रॉब्लम बता दो, हम तुरंत से आपको उसका जवाब दे देंगे कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। न्यू डाइट सिस्टम के बारे में कुछ भी पूछना हो, फास्टिंग के बारे में कुछ भी पूछना हो, डिसीज के बारे में कुछ भी पूछना हो, मुझसे पर्सनली मिलना हो, तो अहमदाबाद में मेरा हेल्थ सेंटर है, NDS हेल्थ सेंटर, डॉक्टर झरना पटेल, नारणपुरा, अहमदाबाद। तो आप शाम को अपॉइंटमेंट लेके 4 बजे से 6 बजे में आप मुझसे आके मिल सकते हो। हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, कोई भी फी नहीं लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सेवा करते हैं। जन सेवा वो प्रभु सेवा है और वो ही हमारा मंत्र है, हम निशुल्क में सेवा करते हैं। तो कुछ भी पूछना हो तो हमें पूछ सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार।